नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के नेहरू पार्क से, जहां पर सखी नामक एक एनजीओ के द्वारा एक छोटी सी आशा कार्यक्रम के तहत महिला दिवस का, सक्षम महिला, सशक्त महिला, भारत की महिला के लिए कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा समाज कल्याण आयोग की चेयरपर्सन श्री रोजी मल्लिकानंद के द्वारा किया गया है, जिसमें जो है महापौर यमुनानगर जगाधरी के मदन चौहान और साथ ही साथ डॉक्टर प्रकोष्ठी के जो है सदस्य विजय भैया के द्वारा किया गया है, जिसमें तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर झूमती हुई, नाचती हुई, गाती हुई नजर आ रही हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, और आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से आप सभी को आप करो करो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। चलो जी, अगेन पोषण का भाई, पोषण को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मौके पर चेयरपर्सन रोजी मल्लिकानंद पहुंची और तमाम जो आसपास के लोग यहां पर पहुंचे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, और एंजॉय के साथ साथ यहां पर जो है सक्षम महिला, सुरक्षित महिला, सखी, एक छोटी सी आशा के तहत तमाम महिलाएं जो हैं यहां पर पहुंची हैं। बातचीत करेंगे रोजी मल्लिकानंद से, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। आज पहली बार नहीं बल्कि काफ़ी समय से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते और महिलाएँ नाचती हुई, ठाती हुई और ठकाती हुई नजर आती हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा। हजारों महिलाएं यहाँ पर पहुंची और इंजॉय करती नजर आ रही है, और इंजॉय के साथ साथ यहाँ पर जो है पोषण पा पुराने खेल जो है और इंजॉयमेंट करती नजर आ रही हैं। बीजेपी के चेयरमैन की, जी हाँ, बीजेपी के समाज कल्याण की चेयरपर्सन है और पिछले कई सालों से अपनी सेवा सुविधाएं देती हुई नजर आ रही हैं। मौके पर तमाम महिलाएं और भी मौजूद हैं। मौके पर महापौर यमुनानगर जगाधरी मदन लाल चौहान भी यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं, और जो है डॉक्टर प्रकोष्ठ से यहाँ पर जो है विजय, तो आप सभी को दिखाने का प्रयास किया, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे वाक्य को लेकर। मेरे सभी से अपील है, जो भी देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा। एक्सीडेंट हो गया। बस हो गया। आलू गोभी मटर बनाए, कच्चा निमाम समाज कल्याण की चेयरपर्सन और सखी एक छोटी सी आशा की चेयरपर्सन है मल्लिक रोजी आनंद जी, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। एक बेहद ही सफल कार्यक्रम बनाया गया है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी, काफी सफल एक कार्यक्रम है और हर महिला के चेहरे पर मुस्कान है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आज कार्यक्रम को लेकर। सखी, सक्षम महिला, सुरक्षित महिला जी, एक छोटी सी आशा जी, पर उड़ान की चाहत बेतहाशा, ये सभी महिलाओं के मन की बात है जी। वो उड़ना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारियां, चाहे बचपन से लेकर
ससुराल में चली जाए, उसके बाद दादी क्यों ना बन जाए, नानी बन जाए, लेकिन उसकी वो अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो दब जाती हैं। तो सखी सक्षम बनाने के साथ साथ, सुरक्षित बनाने के साथ साथ, उनको तनाव मुक्त और तरोताजा रखने के लिए आज ये रिफ्रेशिंग कैंप लगाया गया महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। और सभी आप देख रहे हैं कि पूरी खुश हैं और एक खिले हुए गुलाब की तरह आज वो ड्रेसअप है, बहुत खुश हैं। उनको दोबारा बचपन की ओर लेके जाया गया, जिसमें वो जब स्कूलिंग में थी 8th, 9th, 10th में, वो वाली गेम्स कराई गई, चाहे वो स्किपिंग हो, टैगावार हो, बिच्छी गरम, अपना पिट्ठू गरम, स्टापू, खो खो, बड़ा अच्छा लगा है उनको। तो मेरा मानना ये है कि महिलाओं को उनकी जो अंतर्मन की भावना है उसको पहचानना चाहिए, और उनके उनको अगर खुश रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर खुश रहेगा, हमारा घर खुश रहेगा तो मोहल्ला भी खुश रहेगा, हमारा देश भी खुश रहेगा, यही मेरा संदेश। रोजी जी, आप एक माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, और कहीं ना कहीं सारे कर्तव्य आपने निभाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बहनें आपके साथ मिलती हैं, ये समाज कल्याण के भी काम करती है और आपकी सखी एनजीओ भी काम करती है, जो महिला और आपसे जुड़ना चाहती है, इस माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो महिलाएं मेरे से जुड़ना चाहती है जी, सखी से जुड़ना चाहती हैं, वो सभी आमंत्रित हैं। मैं हमेशा से यही कहा करती हूँ कि सखी जो है उन सबका मायका है जी। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए कहते हैं कि नौकरी चाहिए, महिलाओं को काम चाहिए, हमारे पास इतना काम है, लेकिन महिलाओं को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, घर में बैठे कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है, ठीक है, हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे रखकर उनके लिए बहुत से आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जिनके पास उनकी एक उनके पास हुनर है, हम उसको लेकर उसको बाहर लाते हैं और उनको काम देते हैं। अभी सखी ने पीछे नवरात्रों में अपना सिविक सखी इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज का कोर्सेज का हमने इंस्टीट्यूट मॉडल टाउन में खोला है, उसमें योगा है, ब्यूटी पार्लर है, स्टिचिंग है, डांस है, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म उनको दे दिया जहां पर उनको रोजगार तो मिलेगा एज ए ट्रेनर, लेकिन बहुत ही कम शुल्क में उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और विद सर्टिफाइड कोर्स है, ताकि वो कहीं भी जाकर अगर कुछ खोलना चाहती हैं तो सखी उनकी मदद करती है, उनको रोजगार 100% मिलेगा। आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि अगर उनको रोजगार चाहिए, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो हम लोग हाजिर हैं, सखी फाउंडेशन, समाज कल्याण बोर्ड और रोजी मलिक सबकी बड़ी बहन, माँ, छोटी बहन, जहां भी कहो हाजिर है। लेकिन इसके साथ ही एक संदेश हो, महिलाएं कहीं ना कहीं संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे पा रही, माँ एक संस्कार शाला है, तो संस्कार देना, हम मर्यादित देश में पैदा हुए हैं, हमारा अनुसरण पूरा संसार कर रहा है, तो अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दें। धैर्य जो दरा के समान जननी का धैर्य है, धरती के समान उसको पुनः अब जीवित करने की जरूरत है जी। और गरिमा को बनाते हुए आगे बढ़िए और अपनी गृहस्थी को संभालिए, गृहस्थी को जोड़े रखिए जी। हाँ, तो धन्यवाद, ममता का अवतार, वात्सल्यता का अवतार, हमारे साथ रोजी मलिकानंद मौजूद थी, और जो खिलखिलाती हंसती हुई इन महिलाओं के लिए सम्मान का बनती थी। और आप लोग देख सकते हैं कि जो महिलाएं खाना बनाया करती हैं, जो माम हमारी खाना बनाया करते हैं, वो आज एक दूसरे के साथ खाना खाती भी नजर आ रही हैं। तो हम उस समय को दे दीजिए इजाजत, बने रहे IBM24 परिवार के साथ। नमस्कार, अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।